ईद उल फितर के मौके पर मरीजों को खुश करने का एहसन कदम। इंडस हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड मरीजों के लिए ईद बाजार कायम कर दिया गया, जहां हॉस्पिटल में जेरे इलाज मरीजों को कपड़े जूते समेत तमाम अशिया मुफ्त दी जा रही हैं, बल्कि खुद जाते हैं शॉपिंग करके लेकर आते हैं। तो बड़ा शॉपिंग का माहौल इंडस हॉस्पिटल में सजा है, इससे मुतालिक जमजम सईद हमें बताएंगी। कराची के अस्पताल ने मरीजों के लिए एक ऐसा काम कर दिया जो आज तक पाकिस्तान का कोई अस्पताल नहीं कर सका। आखिर क्या है वो एक दाम, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे मुनफरिद बाजार में मौजूद हूँ जो ना तो सदर में लगा है, ना जैनब मार्केट में लगा है और ना ही तारिक रोड में लगा है, बल्कि ये इंडस अस्पताल में ये बाजार लगा हुआ है। यहाँ की खास बात यह है कि तमाम दर चीज़ें जो है वो रजिस्टर्ड पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, एक रुपया वसूल नहीं किया जा रहा उनसे। अच्छा, जब भी फ्री ऑफ कॉस्ट की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहला जो सवाल आता है वो क्वालिटी का आता है कि चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो उसकी क्वालिटी कैसे होगी, कहीं हो सकता है इसका मयार उस तरह ना हो जिस तरह बाजार में मौजूद चीज़ों का होता है। तो यहाँ पर जो मैंने देखा तो क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। ये गर्ल्स सेक्शन है, इस वक्त मैं गर्ल्स सेक्शन में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है और खूबसूरत कपड़ा है यहाँ पर। मज़ीद भी हम कपड़े देखते हैं कि कितना खूबसूरत जो है यहाँ बाज़ार लगा हुआ है, कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो है वो बच्चियों के लिए रखे गए हैं। वो ज्वेलरी भी मौजूद है यहाँ पर, स्कार्फ भी है यहाँ पर, मेहंदी भी है यहाँ पर, चूड़ियाँ भी हैं और सिर्फ एक डिज़ाइन की नहीं, बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये तो चलो रही बात बच्चियों की, अब चलेंगे लड़कों के सेक्शन में, क्यों वो भी बड़े शौकीन होते हैं। तो ये बड़ा प्यारा डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि यही साइज़ अवेलेबल, इसमें हर साइज़ अवेलेबल है। बच्चों के जितने भी साइजेस हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, पैंट शर्ट यहाँ पर जो है सामने मेरे पड़ी हुई है। अच्छा, मज़ीद पेशेंट्स जो है रजिस्टर्ड पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, कोशिश करेंगे उन पेशेंट से बात करेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये कैनुला बाकायदा इस बच्चे का लगा हुआ है और बच्चे के हाथ में बड़ा प्यारा सा चश्मा भी है। अच्छा, तो आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए हो, क्या क्या खरीदा आप? चप्पल, ऐनक, कपड़ा, जूती। अच्छा, चप्पल, ऐनक, कपड़ा, बहुत कुछ खरीदा। अच्छा, ये चश्मा पहन के भी तो दिखाएं जरा, मैं देखूं तो सही कि इस चश्मे में आप लग कैसे रहे हैं। अरे वाह, ये चश्मा तो इनके साथ बड़ा प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बताइए, माशाल्लाह से आपने यहाँ पर प्यारा सा एक बच्ची का सूट लिया हुआ है, स्कार्फ है, मेहंदी है और यहाँ पर ज्वेलरी है, चूड़ियाँ, क्या कहेंगी? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा यहाँ का सेटअप है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वरना आजकल तो मार्केटें सारी बंद हैं और ना ही हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। इंडस हॉस्पिटल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे हैं। ये बताइए, बच्ची आपकी कहाँ पर? वो बेड पे है। इंतज़ामिया से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस बाज़ार के बारे में क्या कहेंगे, कितने दिन तक ये बाज़ार लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम, सलाम जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बताइएगा ये इस बाज़ार के बारे में क्या कहेंगी, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सोचा कैसे माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमने इंटरनेशनली हमने देखा था कि इंटरनेशनली डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ये क्रिसमस के मौके पर इस तरह के बाज़ार सेट किए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। सो हमने फिर सोचा क्यों ना हम भी इस तरह के एक इनिशिएटिव लें। हम हर ईद पर बच्चों को गिफ्ट्स तो दे रहे होते हैं और यूजुअली कपड़े ही दे रहे होते हैं, तो हमने इस तरह सोचा क्यों ना बच्चे आके अपनी मर्ज़ी से अपने कपड़े भी लें और देन साथ में सारी चीज़ें लें। ये चीज़ सोची गई, देन उसके बाद हमने डिफरेंट डोनर्स को पिच किया और अल्हम्दुलिल्लाह डोनर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इस बाज़ार को सेट करने में मदद दी। 3 दिन से ये बाज़ार चल रहा है और अब तक हमने तकरीबन 650 से 700 के करीब पेशेंट्स को हम फैसिलिटेट कर चुके हैं। हमारा टारगेट तकरीबन 1000 पेशेंट को हमने टारगेट किया है कि हम 1000 को इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, इस बाज़ार को बड़ा कलरफुल तरीके से सजाया गया है। कैमरा मैन अली मुशर्रफ, ज़रा दिखाइएगा ये मनाजिर हमारे नाजरीन को कि माशाल्लाह से बड़ी कलरफुल रिबन्स और बलून्स यहाँ पर लगाए गए हैं। एक यहाँ पर बेयर भी जो है वो रखा गया है ताकि जब बच्चे आएँ
पेशेंट्स आएँ तो अपनी बीमारियाँ जो हैं वो सारी अपने रूम में ही छोड़ाएँ, इस बाज़ार में ना लाएँ। इस बाज़ार का माहौल इस तरीके का रखा गया है। और अब हम चलेंगे दूसरे सेक्शन में भी, दूसरे यहाँ पर जूतों का सेक्शन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह से एक नहीं बल्कि हर किस्म का जूता रखा गया है। ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन, ये यहाँ तक कि स्कूल शूज़ भी जो है वो यहाँ इसका हिस्सा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बड़े प्यारे बच्चियों के सैंडल्स भी दिखाऊंगी, हील वाले। ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह नए डिज़ाइन हैं और कलर भी बड़े प्यारे हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो कि ख़ुद तो शॉपिंग करने जा नहीं सके, बेड पर थे, लेकिन उनकी वालदा जो है उनके लिए तमाम तर शॉपिंग इसी बाज़ार से जो हॉस्पिटल में लगाया गया है उसी बाज़ार से सारी शॉपिंग करके आई हैं। तो उस पेशेंट से बात करेंगे और जानते हैं कि कितनी अच्छी लगी उन्हें उनकी ईद की शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा ये बताएं, अम्मी ने शॉपिंग की, कैसी लगी सारी शॉपिंग? अच्छी लगी। तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? कैप। अच्छा कैप पहन के भी दिखा रहे हैं, और क्या क्या अच्छा लगा? और चश्मा। कैमरे में भी तो दिखाए। अरे भाई वाह, ये तो चश्मा और कैप पहनी है और बाकायदा घड़ी भी जो है इन्होंने पहनी हुई है। ये जा नहीं सके थे, अम्मी ने इनकी शॉपिंग की थी ईद की। और ये सामने जूते भी हैं, जोड़ा भी माशाल्लाह से ये रहा, इनका जोड़ा भी लेकर आई हैं। अच्छे लगे सारे कपड़े? जी हां। ईद कैसे मनाओगे बेटा? कपड़ों से। पाकिस्तान में पहली बार ये ऐसा हुआ है कि इस नौयत का बाजार लगा है कि जहाँ पर पेशेंट, रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं वो अपना कार्ड लेकर आएँ और तमाम तर शॉपिंग ईद की जो है यहाँ पर फ्री में करें, फिर चाहे वो जूते हो, कपड़े हो, घड़ी हो, चश्मा हो या कुछ भी हो, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आएँ, शॉपिंग करें और ईद की खुशियाँ मनाएँ।